हे गाइस, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट करियर पे। यार, आप लोगों की तरफ से बार बार एक कमेंट आ रहा है कि आईपीयू के मेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनके लिए चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, इसके एडमिशन का शेड्यूल क्या होगा, आगे इसका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और इतना लेट ये क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही सब बताने वाला हूँ, तो जानने के लिए आज का वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार, आप देख सकते हैं कि जो नोटिस है आईपीयू ने 30 जुलाई 2019 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि ये जो मेडिकल के कोर्सेज हैं जैसे कि MPT, MOT न्यूरोलॉजी, MPO पैरामेडिकल कोर्सेज, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग, ये सभी जो कोर्सेज हैं इसका CET कोड भी यहाँ पे साइड में दिया गया है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। यार, इन सभी कोर्सेज के लिए जो अभी इतना शेड्यूल लेट हो रहा है उसका रीज़न ये है कि इनके जो कॉन्सर्न डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अभी कोई इन्फॉर्मेशन IPO को नहीं दिया है। यार, इसकी कट ऑफ कितनी निकालनी है, कितनी सीटों के लिए इसमें एडमिशन किया जाना है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी इनके जो कॉन्सर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने IPO को नहीं दिए, और यही कारण है कि यार इसका एडमिशन का शेड्यूल इतना लेट हो रहा है। उन्होंने आगे बता रखा है कि IPO को जैसे इनके कॉन्सर्न डिपार्टमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये तुरंत ही अपना एडमिशन का शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे। और आगे इन्होंने बता रखा है यार कि इसी तरह की फर्दर अपडेट के लिए आप लोग IPO की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आराम से देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि यार हमारे चैनल पर भी आप लोगों को IPO का हरेक अपडेट देखने को मिल जाती है, तब आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो के भी खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूँगा।